उत्तराखंड सरकार का एक और बड़ा फैसला। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों की पेंशन से जुड़ा बड़ा फैसला, जहां लोकतंत्र सेनानियों की विधवा पत्नी और विधुर पति को पेंशन मिलेगी। लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन के तहत ये राशि दी जाएगी। शासनादेश पर राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दी। तो 1975-1977 तक इमरजेंसी में जेल गए थे लोकतंत्र सेनानी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ा फैसला लिया गया है। 1975 से 1977 तक इमरजेंसी में जेल गए थे लोकतंत्र सेनानी। उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए, राज्य सरकार की ओर से राव शफात अली, ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और इस फैसले को लेकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं न्याय हुआ लेकिन देर हो गई। देखिए, राज्य सरकार का यह बड़ा फैसला है क्योंकि 25 जून 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी और 21 महीने ये इमरजेंसी लगी रही, 21 मार्च 1977 तक जो लोग जेल में रहे थे तो उनके लिए ये फैसला है। हालांकि उनको पेंशन मिलती रही है क्योंकि राज्य सरकार ने जब निर्णय लिया था 2018 के आदेश की अगर बात करते तो 16,000 मिलते थे, लेकिन 2022 में संशोधन किया गया था तो 20,000 रुपये जो लोकतंत्र सेनानी पेंशन है उसके तहत मिलते रहे। लेकिन अब राज्य सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, एक और बड़ा फैसला लिया है। जो उस वक्त जेल में रहे थे, क्योंकि उस वक्त देखिए उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उत्तराखंड राज्य नहीं था, लेकिन प्रदेश से जब अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो यहाँ पर जो लोग उस वक्त इमरजेंसी में जेल में रहे थे उनके लिए ये फैसला है, यानी कि उनके परिवार के लिए ये फैसला है, निर्णय है। अब जो जो विधवा है उसको भी ये पेंशन मिलेगी, यानी उनके पति अगर जेल में रहे हैं उस वक्त तो ये पेंशन का लाभ उनको भी मिलेगा और जो विधुर पति हैं उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो ये दोनों निर्णय राज्य सरकार ने लिए हैं। जैसा मैंने बताया कि पहले 16,000 रुपये मिला करते थे, लेकिन 2022 में धामी सरकार ने थोड़ा शासनादेश को बदला, एक बड़ा फैसला लेते हुए फिर ये 20,000 रुपये कर दिया था प्रतिमाह। तो अब यही जो पेंशन है लोकतंत्र सेनानी पेंशन, इसका लाभ परिवार को मिलेगा। जी